मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया, इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने, ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े, इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे।